बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बहुत अच्छे डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोगों से शेयर करूंगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। आज हम बनाने वाले हैं बिस्कॉफ लोटस डिज़र्ट, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये स्प्रेड ले ली है लोटस की, और ये बिस्किट्स हैं, और साथ ही मैं व्हिपिंग क्रीम पाउडर वाली लूंगी। और उसमें अगेन जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, मैंगो डिज़र्ट जो मैंने डिलाइट बनाया था तो उसमें मैंने पाउडर व्हिपिंग क्रीम यूज़ करी थी, तो ऐसे ही मैं इसमें भी पाउडर व्हिपिंग क्रीम ऐड करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं दो पैकेट लूँगी व्हिपिंग क्रीम के, और साथ ही इसके अंदर डालूंगी 230 ml चिल्ड मिल्क, अब हम दोनों पैकेट्स को इसमें ऐड कर देंगे। पैकेट्स के ऊपर मेंशन होता है कि आपको इसमें मिल्क कितना ऐड करना है। एक पैकेट में हाफ कप मिल्क जाता है। अब मैं इसे अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप नॉर्मली अपने हाथ से भी बीट कर सकते हैं ईजिली। थोड़ी सी देर लगेगी, ज़्यादा मतलब देर नहीं लगेगी। आप थोड़ा सा फ्रीजर में रख के ठंडा करके उसे फिर हाथों से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए मैं व्हिपिंग के बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, अच्छे से हमारी क्रीम बीट हो गई है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें करनी है ऐसे बीट। ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ml थिक क्रीम, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 teaspoon जितना वनीला एसेंस। इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। चलिए जी, ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। ऑलरेडी व्हिपिंग क्रीम में शुगर ऐड होती है तो मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि जो बिस्किट्स हैं उनकी भी स्वीटनेस इसके अंदर आएगी, और जो स्प्रेड है तो उसकी भी स्वीटनेस इसमें आएगी, तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी जो ये स्प्रेड है उसको मैं 20 seconds के लिए माइक्रोवेव करूंगी, उसको थोड़ा सा मेल्ट करूंगी, क्योंकि अभी ये मेल्ट फॉर्म में नहीं है तो हमें मेल्ट फॉर्म में लेके आनी है। चलिए जी, ये देखें 30 सेकेंड में ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 4 tablespoon स्प्रेड, ताकि हल्का सा इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ठीक है, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। चलिए जी, अब हम करेंगे लेयरिंग। तो बिस्किट्स की लेयर हम सबसे पहले लगाएंगे। चलिए जी, ये बिस्किट की लेयर हो गई है। उसके बाद क्रीम ऐड करेंगे। इक्वली हम सब जगह कर देंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे स्प्रेड। तकरीबन 2 tablespoon अगेन हम इसके अंदर बिस्किट की लेयर करेंगे। अगेन हम दोबारा क्रीम ऐड करेंगे और सब जगह इक्वल कर देंगे। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, पाइपिंग बैग लेना है और जो इसकी स्प्रेड है तो उसको फिल करके, और अब हम लाइंस इस पे बनाएंगे। चलिए जी, आप कोई सी भी स्टिक ले लें,
उसके बाद स्टिक से हम करेंगे डिजाइनिंग। अब इसके बाद हम क्रच बिस्किट्स इसके फोर कॉर्नर्स पे लगाएंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि अगर आप ज़्यादा क्रश चाहें तो ज़्यादा क्रश भी कर सकते हैं बिस्किट्स को, तो मैं ज़्यादा नहीं क्रश करती। माशाल्लाह से डिज़र्ट हमारा बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।